कंगना रानावत की आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी पर बवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा ने फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि कंगना की फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का एक ब्रिटिश के साथ लव सीक्वेंस दिखाया गया है। दरअसल संगठन ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ब्रिटिशर के साथ लक्ष्मीबाई का प्रेम प्रसंग इस फिल्म में है। फिल्म पद्मावत के बाद किसी फिल्म के कंटेंट को लेकर ये नया विवाद है। वैसे तो भारतीय इतिहास में लक्ष्मीबाई के बारे में इस बात का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय पहले एक किताब में लक्ष्मीबाई के अंग्रेज के साथ एक प्रेम प्रसंग को पेश किया गया था। दरअसल ये बात तब सामने आई जब रानी लक्ष्मीबाई पर 10 साल पहले यूनाइटेड किंगडम की जयश्री मिश्रा ने रानी नाम से एक किताब लिखी। जयश्री ने अपनी किताब में रानी और झांसी के तत्कालीन राजनीतिक एजेंट रॉबर्ट एलिस के बीच अफेयर का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि उनकी किताब एक ऐतिहासिक फिक्शन और प्रेम कथा है जिससे भारतीय लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। जयश्री ने किताब में दोनों की प्रेम कहानी को लेकर लिखा है कि लक्ष्मीबाई के साथ बढ़ती दोस्ती के चलते रॉबर्ट एलिस की शिकायत ईस्ट इंडिया कंपनी तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने रॉबर्ट को लक्ष्मीबाई के साथ दोस्ती के लिए फटकार लगाई, जिसके कारण रॉबर्ट को इस्तीफा देना पड़ा। वहां से इस्तीफा देने के बाद वह फिर रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में आए। लक्ष्मीबाई को जब रॉबर्ट के जाने का पता चला तो वो खूब रोई। विदाई के वक्त रॉबर्ट ने लक्ष्मीबाई से कहा, मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मैं अपने देश इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ। रॉबर्ट के जाने के बाद रानी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। उनकी सहायिका सुंदर को उनके रोने की आवाजें आ रही थी। जयश्री की किताब में एक जगह रॉबर्ट और लक्ष्मीबाई की पहली मुलाकात का भी जिक्र है। इसके मुताबिक रॉबर्ट ने जब रानी लक्ष्मीबाई की पहली मुस्कान देखी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया था। इसके अलावा एक जगह दोनों की घुड़सवारी का भी वर्णन है। किताब के मुताबिक पति के निधन के बाद अकेली पड़ी लक्ष्मीबाई की रॉबर्ट से मित्रता घनिष्ठ होती जा रही थी। घुड़सवारी के अलावा दोनों अक्सर जंगलों में कभी सुबह तो कभी शाम को मिला करते थे। किताब में यह भी जिक्र है कि दोनों की दोस्ती के बारे में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की सहायक सुंदर को पता था। जयश्री मिश्रा की इस विवादित किताब पर 2008 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने रोक लगा दी थी। लोगों ने इसे झांसी की रानी का अपमान करार दिया था। वहीं दूसरी तरफ अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में जयश्री ने साफ साफ लिखा कि इस किताब में लिखी गई कहानी कई भारतीयों को आहत कर सकती है, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैंने एक योद्धा के पीछे छिपी नारी की। कंगना रानावत की आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी पर बवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा ने फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि कंगना की फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई का एक ब्रिटिश के साथ लव सीक्वेंस दिखाया गया है। दरअसल संगठन ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ब्रिटिशर के साथ लक्ष्मीबाई का प्रेम प्रसंग इस फिल्म में है। फिल्म पद्मावत के बाद किसी फिल्म के कंटेंट को लेकर ये नया विवाद है। वैसे तो भारतीय इतिहास में लक्ष्मीबाई के बारे में इस बात का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय पहले एक किताब में लक्ष्मीबाई के अंग्रेज के साथ एक प्रेम प्रसंग को पेश किया गया था। दरअसल ये बात तब सामने आई जब रानी लक्ष्मीबाई पर 10 साल पहले यूनाइटेड किंगडम की जयश्री मिश्रा ने रानी नाम से एक किताब लिखी। जयश्री ने अपनी किताब में रानी और झांसी के तत्कालीन राजनीतिक एजेंट रॉबर्ट एलिस के बीच अफेयर का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि उनकी किताब एक ऐतिहासिक फिक्शन और प्रेम कथा है जिससे भारतीय लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। जयश्री ने किताब में दोनों की प्रेम कहानी को लेकर लिखा है कि लक्ष्मीबाई के साथ बढ़ती दोस्ती के चलते रॉबर्ट एलिस की शिकायत ईस्ट इंडिया कंपनी तक जा पहुंची। अंग्रेजों ने रॉबर्ट को लक्ष्मीबाई के साथ दोस्ती के लिए फटकार लगाई, जिसके कारण रॉबर्ट को इस्तीफा देना पड़ा। वहां से इस्तीफा देने के बाद वह फिर रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में आए। लक्ष्मीबाई को जब रॉबर्ट के जाने का पता चला तो वो खूब रोई। विदाई के वक्त रॉबर्ट ने लक्ष्मीबाई से कहा, मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मैं अपने देश इंग्लैंड वापस जा रहा हूँ। रॉबर्ट के जाने के बाद रानी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। उनकी सहायिका सुंदर को उनके रोने की आवाजें आ रही थी। जयश्री की किताब में एक जगह रॉबर्ट और लक्ष्मीबाई की पहली मुलाकात का भी जिक्र है। इसके मुताबिक रॉबर्ट ने जब रानी लक्ष्मीबाई की पहली मुस्कान देखी तो वह मंत्रमुग्ध हो गया था। इसके अलावा एक जगह दोनों की घुड़सवारी का भी वर्णन है। किताब के मुताबिक पति के निधन के बाद अकेली पड़ी लक्ष्मीबाई की रॉबर्ट से मित्रता घनिष्ठ होती जा रही थी। घुड़सवारी के अलावा दोनों अक्सर जंगलों में कभी सुबह तो कभी शाम को मिला करते थे। किताब में यह भी जिक्र है कि दोनों की दोस्ती के बारे में सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई की सहायक सुंदर को पता था। जयश्री मिश्रा की इस विवादित किताब पर 2008 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने रोक लगा दी थी। लोगों ने इसे झांसी की रानी का अपमान करार दिया था। वहीं दूसरी तरफ अपनी किताब के इंट्रोडक्शन में जयश्री ने साफ साफ लिखा कि इस किताब में लिखी गई कहानी कई भारतीयों को आहत कर सकती है, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मैंने एक योद्धा के पीछे छिपी नारी की।